हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नवीन टमटाया एक्सेल वीबीए। गाइस, आज हम अपने इस वीडियो में वीलुकअप के साथ सीक्वेंस फंक्शन को यूज करना सीखेंगे। और जितने भी यूजर्स ऑफिस 365 को यूज करते हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो आइए देखते हैं कि वीलुकअप के साथ सीक्वेंस फंक्शन को यूज करने का क्या फायदा होता है, और इसको मैंने इन तीन टैब्स के हिसाब से बनाया है सो दैट कि इसकी कंपैरिजन मैं आपको दिखा सकूं। तो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मेरी स्क्रीन पे एक टेबल बनी हुई है जिसमें आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी एंड लोकेशन दी हुई है। और नीचे वाली टेबल में मेरे पास आईडी अवेलेबल है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसको सिंपल वी लुकअप के थ्रू डेटा को फैच किया जा सकता है, तो मैं इसको एक बार यूज करके दिखाऊंगा आपको। जैसे मैंने बोला वी लुकअप, ये लुकअप वैल्यू है, देन दिस इज टेबल एरे। और जैसा कि आप जानते हैं कि नेम मेरा सेकेंड कॉलम पे है, तो मैं यहाँ पर टू करके जीरो जीरो यानी कि एग्जैक्ट मैच के थ्रू मैं इसको उठा रहा हूँ। एंड देन इफ आई हिट एंटर एंड ड्रैग दिस फॉर्मूला डाउनवर्ड, आई विल गेट द डिजायर्ड आउटपुट। सेम आई विल डू फॉर ऑल दीज कॉलम्स, बट वट आई विल हैव टू डू हियर इज आई विल हैव टू चेंज द कॉलम इंडेक्स नंबर सो दैट जो भी परफेक्ट इंफॉर्मेशन होगी वो परफेक्ट जगह पे ही फैच आउट हो सके। तो जैसे यहाँ पर मैंने तीन कर दिया, तो इसने एडवांस एसोसिएट मुझे दे दिया। यहाँ पर फिर इस डेटा को मैंने आगे की तरफ ड्रैग राइट किया है, चार करूंगा तो मुझे सैलरी मिल जाएगी। एंड देन लास्टली इफ आई चेंज इट टू फाइव, देन आई विल हैव द लोकेशन। इस सारे डेटा को सिलेक्ट करके नीचे अगर मैं ड्रैग करता हूँ, तो दिस इज हाउ आई कैन फैच द डिजायर्ड आउटपुट बेसिस ऑफ द लुकअप वैल्यूज गिवन टू मी। चलिए जी, ये बात तो है सिंपल वी लुकअप की, और जैसा कि इसको आप सभी लोग जानते हैं कि कैसे यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं वी लुकअप एरे की। हाउ वी लुकअप एरे इज डिफरेंट फ्रॉम सिंपल वी लुकअप। देखिए, सिंपल वी लुकअप के केस में हम लोगों को क्या करना होता है कि हमें कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करना होता है, लेकिन एरे के केस के अंदर हम एक ही बारी में सारा का सारा डेटा फैच कर सकते हैं। कैसे, इसके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर लिख देता हूँ। जिन लोगों को वी लुकअप एरे यूज करना नहीं आता है, वो इस वीडियो की सहायता से एरे यूज करना भी सीख सकते हैं और वी लुकअप को सीक्वेंस फंक्शन के साथ भी यूज करना सीख सकते हैं। तो इसके लिए आपका सबसे पहले जो स्टेप वन रहेगा वी लुकअप विद एरे को यूज करने के लिए, तो स्टेप वन रहेगा गाइज, सिलेक्ट दी रेंज इन हॉरिजॉन्टल। कैसे, ये मैं आपको यहां पर करके दिखा रहा हूं। जो भी डेटा आपको फेच करना है उसको पहले ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए हॉरिजॉन्टल वे में। देन स्टेप टू बोलता है अप्लाई वी लुकअप एज नॉर्मल एज यू डू। जैसा आप करते हैं वैसे ही आपने वी लुकअप अप्लाई करना है। देन उसके बाद आपने क्या करना है, स्टेप नंबर थ्री जाएगा आपका टेबल एरे। जैसे कि टेबल एरे तक की, आपको टेबल एरे तक की पूछता है। एक काम करते हैं, यहाँ पर अगर मैं इसका सिंटेक्स लिख देता हूँ पूरी तरीके से, जैसे मैंने बोल दिया वी लुकअप जो है इसका सिंटेक्स है लुकअप वैल्यू एंड टेबल एरे देन कॉलम इंडेक्स नंबर एंड देन ये बोलता है रेंज लुकअप। ये इसका सिंटैक्स है गाइस वी लुकअप का। वी लुकअप के सिंटैक्स की अगर हम बात करें, तो इसके अकॉर्डिंग पहला वाला जो मेरा स्टेप था वो तो ये था कि हमने यहां से लेके यहां तक की रेंज सिलेक्ट कर ली थी। दूसरा स्टेप मेरे से बोलता है कि अप्लाई वी लुकअप एज नॉर्मल एज यू डू। हमने वी लुकअप अप्लाई करना है जैसे कि हम करते हैं, ठीक है। इस टेबल एरे तक की बात हो रही है यहाँ पर स्टेप नंबर थ्री तक की। जो स्टेप नंबर फोर है ये थोड़ा सा चेंज है गाइस। तो यहां पर मैं लिखूंगा व्हेन सिंटैक्स आस्क यू कॉलम इंडेक्स नंबर Then,
देन पुट अ करली ब्रैकेट, ठीक, ओके, एंड देन एक करली ब्रैकेट आपने लगाया और उसके बाद यहां मैं नीचे लिखूंगा कि पुट अ करली ब्रैकेट एंड यू कैन मेंशन ऑल योर कॉलम इंडेक्स नंबर्स इन दिस करली ब्रैकेट। ओके गाइस, एंड इसके बाद क्या है स्टेप नंबर 5, क्लोज करली ब्रैकेट स्टेप 6 हो जाएगा आपका पुट अ कॉमा एंड देन 0 और फॉल्स और एग्जैक्ट मैच। अभी के लिए सारे स्टेप आपको देखने में ऐसे लग रहे होंगे समझ में भी नहीं आ रहे होंगे क्योंकि इसको मैं जब एक एक करके करूंगा तो शायद हमारी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी बिल्ड होगी। तो देखिए सबसे पहला जो स्टेप है स्टेप 1 के थ्रू मैंने अपनी ये रेंज सेलेक्ट कर ली गाइस हॉरिजॉन्टल वे में। जब भी आप वी लुकअप अप्लाई करेंगे विद एरे आपको इसी प्रोसीजर को फॉलो करना है किसी भी डेटा में। तो अब उसके बाद सेकेंड स्टेप मुझसे बोलता है अप्लाई वी लुकअप एज नॉर्मल, तो मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ वी लुकअप, कुछ भी नहीं छेड़ना, डायरेक्टली इक्वल टू का साइन दीजिए और वी लुकअप अप्लाई कीजिए, लुकअप वैल्यू देन टेबल एरे। ये हमारा स्टेप 3 तक का वर्क था यहां तक की। अब ये बोल रहा है व्हेन सिंटैक्स आस्क्स यू टू गिव कॉलम इंडेक्स नंबर, तो अगर हम इस सिंटैक्स की बात करें सॉरी एक मिनट, वी लुकअप देन टेबल एरे देन स्टेप 3 कह रहा है टेबल एरे देने के बाद, मतलब हमने स्टेप 3 तक ही कर लिया। स्टेप 4 कह रहा है व्हेन सिंटैक्स आस्क्स यू टू गिव कॉलम इंडेक्स नंबर, तो अगर आप यहां पर इसको अगर मैं उठा के यहां रखूं तो देखिए कॉलम इंडेक्स नंबर की ही बात कर रहा है, तो वहां पर मैंने इसको ये बोला हुआ है कि जब भी आपसे सिंटैक्स कॉलम इंडेक्स नंबर देने की बात करेगा तो आपको एक करली ब्रैकेट लगाना है गाइस यहां पर, तो आपने ऐसे करली ब्रैकेट लगा देना। और इसके बाद ये आपसे क्या पूछ कह रहा है एंड यू कैन मेंशन ऑल योर कॉलम इंडेक्स नंबर इन दिस करली ब्रैकेट एंड देन क्लोज करली ब्रैकेट, ठीक है। तो यानी कि अब अगर मैं इसकी बात करूं तो यानी कि हमें कौन कौन से कॉलम उठाने हैं, दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, तो मैंने बोल दिया 2, 3, 4, 5 करली ब्रैकेट क्लोज। ये यहां तक कि हमारा स्टेप 5 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद ये बोलता है पुट अ कॉमा, तो मैं यहां पर जैसे ही कॉमा करूंगा तो ये देखिए मुझसे ट्रू एंड फॉल्स पूछने लग गया जो कि मैंने बोला है, देन 0 और फॉल्स, यानी कि आप 0 या फॉल्स इन दोनों का यूज कर सकते हैं फॉर एग्जैक्ट मैच। तो मुझे गाइस ये एग्जैक्ट मैच ही चाहिए, तो ये मैंने उठा के अपना ब्रैकेट क्लोज किया। एंड देन लास्टली मैं एक स्टेप यहां पर लिखना भूल गया था, वो मैं अभी ऐड कर देता हूं इसके अंदर। आपको डायरेक्ट यहां पर एंटर नहीं मारना गाइस, आपको एंटर करना है कंट्रोल शिफ्ट दबा के एंटर। तो देखिए आपका सारा डेटा आउट किया है, नाउ यू कैन ड्रैग दिस फॉर्मूला, तो दिस इज योर वी लुकअप विद एरे। तो यहां पर जो आपका स्टेप नंबर 7 है वो ये हो जाएगा कि डोंट डायरेक्टली प्रेस एंटर, प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर। आपने डायरेक्टली एंटर नहीं प्रेस करना, आपको कंट्रोल शिफ्ट और एंटर के साथ प्रेस करना है, तो तब जाके आपका ये सारा डेटा उठेगा। और याद रखिएगा कहीं भी अगर आप वीलुकअप मतलब किसी भी एरे फंक्शन का यूज करते हैं तो एरे फंक्शन को जानने की सबसे पहली जो चीज है आप यहाँ फॉर्मूला बार पे देखिएगा कि शुरुआत में भी करली ब्रैकेट होगा और एंड में भी करली ब्रैकेट होगा, इट मीन्स कि किसी ने वहां पर एरे का यूज किया। तो दिस इज एरे, एंड यू नो एरे का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें से आप
एक अकेली वैल्यू को नहीं कहीं से उड़ा सकते हैं गाइस, इसके लिए आपको एक पूरी पूरी रेंज को ही उड़ाना पड़ेगा, तब जाके एरे हटता है। जैसा कि अगर लेट्स से मैं बोलता हूँ कि हिसार को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो जैसे मैं डिलीट प्रेस करूंगा तो ये बोलता है कि यू कैनॉट चेंज पार्ट ऑफ एन एरे, यानी कि अगर आपको ये सारा डेटा अगर उड़ाना है तो इस पूरे डेटा को आप सिलेक्ट कीजिए एंड देन प्रेस डिलीट, तभी ये उड़ेगा, अदरवाइज एक सिंगल वैल्यू नहीं उड़ेगी। लेकिन अगर सिंपल वी लुकअप की अगर बात करी जाए तो हम इसमें से किसी भी डेटा को उड़ा सकते हैं। तो एरे का तो गाइस एक ये वाला फायदा है, सिंपल वी लुकअप और एरे में डिफरेंस ये है, एरे के थ्रू आप एक बारी में सारा डेटा फेच कर सकते हैं, लेकिन हाउ वी लुकअप विद सीक्वेंस इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल दीज टू प्रीवियस फंक्शंस, इसको डिफाइन मतलब देखते हैं। तो देखिए टेबल मेरे पास गाइस सेम है, लेकिन यहां पर मेरे पास जो लाइक ये मुझे दिया हुआ है, इसी चीज को भी हमने व्हील को भी सीक्वेंस के साथ उठाना है। तो ध्यान दीजिएगा इसको मैं कैसे करूंगा, यहां पर मैंने सिंपली इसको बोला वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये, देन ये मुझसे बोलता है टेबल एरे। तो भाई ध्यान दीजिएगा, टेबल एरे मैंने अपना सिलेक्ट कर लिया, ये मेरा टेबल एरे है। नाउ ये मुझसे बोलता कॉलम इंडेक्स नंबर, जो कि मुझे नहीं देना, मैं यहां पर सीधा सीधा सिंपली एक फंक्शन यूज करूंगा विच इज सीक्वेंस, ये ऑफिस 365 में अवेलेबल है गाइस। और सीक्वेंस फंक्शन का जो सिंटैक्स होता है ये आपसे पूछता है रोज कॉलम्स एंड देन स्टार्ट एंड स्टेप स्टार्ट, इसके इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो जब ये आपसे रोज पूछता है तो रो के केस के अंदर आपने यहां पर सिंपली एक कॉमा दे देना गाइस, जैसे ही आप कॉमा देंगे तो ये उठ के यहां पर कॉलम पे आ जाएगा, कॉलम्स पे। तो यहां पर आप फंक्शन यूज कीजिए कॉलम्स ऐसे, और कॉलम्स में आपको वही रेंज देनी है जो कि आपको डेटा उठाना है। तो अगर मैं यहां से लेके मतलब B11 से E11 तक का डेटा सिलेक्ट कर लेता हूं सारा, अपने कॉलम को बंद कर देता हूं और कॉमा करता हूं, तो ये मेरे से बोलता है स्टार्ट, यानी कि स्टार्ट का मतलब कि आप इस जो भी टेबल आ रहे हैं और इस पूरी सिक्वेंसिंग जो आपने रेंज दी है B1 से B11, इसमें से पहला नंबर का कौन सा डेटा आपने उठाना है। यानी कि अगर मैंने वी लुकअप गाइस यहाँ पर अप्लाई किया तो ये कॉलम इंडेक्स नंबर तो 2 ही होगा ना, तो यहाँ पर आपने सिंपली 2 दे देना, क्लोज योर ब्रैकेट नाउ कॉमा। अभी आपसे फिर वही रेंज लुकअप पूछ रहा है, तो रेंज लुकअप के केस में आपने क्या करना है, जीरो या फॉल्स व्हाटएवर इज योर प्रेफरेंस वो देखे। अब मैजिक देखिएगा, जैसे मैं एंटर मारता हूँ तो देखिए क्या होगा, देखने का ये सारा डेटा एक ही बारी में उठ गया, डेटा को आप ऐसे फेच कर लीजिए। तो अगर मैं बात करूं सीक्वेंसिंग की, तो ये सीक्वेंस का फॉर्मूला जो है ये वी लुकअप का इतना ज्यादा डायनेमिक है, इसको डायनेमिक एरेज के अंदर कंसीडर किया जाता है गाइस, क्योंकि ऑफिस 365 ने इस टाइम पर स्किल करके एक चीज होती है, स्किल का मतलब होता है कि एक जगह में आप अपना फॉर्मूला चला रहे हो और स्किल कर देता है पूरी जगह के अंदर। तो इस स्किलिंग का ये जो जो लाइक नई फंक्शनैलिटी जो ऑफिस 365 ने इंट्रोड्यूस की है, दिस इज अ बेटर थिंग, और ज्यादातर कॉर्पोरेट सेक्टर्स के अंदर आप ये जो डायनेमिक फंक्शंस हैं इन्हीं का यूज होने लग गया है। तो यही था इस आज के इस टॉपिक के अंदर। तो आप लोगों की सहूलियत के लिए इस वर्कबुक को गाइस मैं डाउनलोडेबल लिंक के अंदर भी रख दूंगा, जिसको कि आप डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इस फंक्शन को देखिए, यूज करना स्टार्ट कीजिएगा, बहुत ज्यादा डायनेमिक और अच्छा फंक्शन है, और स्टार्ट यूजिंग दिस इन योर ऑफिस। एंड आई होप कि ये जो वीडियो है, ये वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी, और अगर आपको लगता है कि आपने कोई एक नई चीज लर्न की है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा गाइज। अभी के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय एंड टेक केयर।